lovely people, this is Shaunit Isan and welcome back to the channel. It's 11 o'clock in the morning and actually फिर से आज मेरे एक friend का birthday है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो फिर से ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आप पहले ब्लॉग को देखो और फिर बात करते हैं, चूँकि इस मंथ में काफ़ी लोगों का बर्थडे है तो बार बार मैं बर्थडे का ब्लॉग बना रहा हूँ. तो पहुँचते हैं वहाँ और फिर बात करते हैं, और काफ़ी ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है तो ब्लॉग को पहले इन्जॉय करो फिर बात करते हैं. कितने बजे जाना है वहाँ पे? 3 बजे 2 बजे मुझे 2 बजे जाना है, सुबह तो पिक करना है मुझे 2 बजे. बारिश में मिलने के बाद बाइक कितनी खूबसूरत हो जाती है वाकई में. बज चुके हैं रात के 8 और मैं वापस आ गया हूँ अपने घर. दिन आज के काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, मे बी ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना होगा. और बस कसक ये रह गई कि मैं लगभग 3-4 महीने से अपने जितने मोमेंट्स उसे कैप्चर करना शुरू कर दिया हूँ एज ए ब्लॉग के फॉर्म में. इससे पहले भी मैं शूट करता था लेकिन वो एक वीडियो के फॉर्म में था, बस प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर तरीके से मैं सिंक्रोनाइज नहीं करके कर पाता था. लेकिन अब ये वीडियो को मैं शूट करता हूँ और जब अपने वीडियो को देखता हूँ मैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है, काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी एक फील आती है. इसके लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ. मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो चूँकि मेरे पास स्टोरेज की कमी है, या कह सकते हैं कि आपके पास अगर खुद होता है तो वीडियो डिलीट हो जाता है या वो सेव नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से मैं एक व्लॉग के फॉर्म में करके उसे कन्वर्ट करके और अपलोड कर देता हूँ, जो कि पब्लिकली होता है. लेकिन मैं उसे अपलोड करता हूँ सिर्फ अपने लिए, चूँकि मैं खुद से अगर देखता हूँ उस वीडियो को तो एक अलग सी फील आती है और काफ़ी अच्छा लगता है. तो इसके लिए मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ. और इसी में मैंने जो भी 4-5 वीडियो अपलोड किया उसमें मैं एक्चुअली मैं जो एंड था वीडियो का वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता था, बस ऐसे ही मैं वीडियो को अंत कर देता था. तो मैंने सोचा चलो कि नहीं, फील देने के लिए वीडियो को एंड भी करते हैं प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से. तो इसी कड़ी में मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ. और काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने खुद के वीडियो को देखते हो कुछ दिनों के बाद, या
बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद भी, तो एक एक सिंक्रोनाइज तरीके में होता है, एक अगर सही तरीके से होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इसी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉग कर रहा हूँ फिर से रात में घर पहुँच के। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लिप में। गुड बाय।